हमारी जो ऊर्जा हमारे अंदर है, उन नौजवानों की प्रतिभा को समझना पड़ेगा, उनको मंच देना पड़ेगा, उनको आगे जाने का रास्ता दिखाना पड़ेगा। 2023 के अंदर पुणे, राजस्थान समेत बाकी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और हम सब जानते हैं, आपने जब प्रचार किया था हिमाचल प्रदेश के अंदर ताबड़तोड़, वहां सरकार कांग्रेस की बनी। आपने प्रचार कर्नाटक में किया, वहां सरकार आपने बनाई। और यहां पर भी आप और राहुल जी प्रचार करेंगे तो सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, ऐसा मैं मानता हूं। आज प्रियंका गांधी राजस्थान के टोंक में ग्रामीण रसोई योजना के उद्घाटन समारोह में शामिल होने पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मंच पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी मौजूद रहे। वहीं प्रियंका गांधी के सामने मंच पर सचिन पायलट ने धुआंधार भाषण देते हुए कहा कि हमारी ऊर्जा और प्रतिभा को समझना पड़ेगा, उन्हें मंच देना पड़ेगा, रास्ता दिखाना पड़ेगा। साथ ही राजस्थान समेत अन्य राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सबको देखना पड़ेगा कि कौन से लोग, कौन से नेता, कौन सी विचारधारा राजस्थान के हित में काम करती है और कौन से वो लोग हैं जो सिर्फ वोट बटोरने का काम करते हैं। ऐसी शक्तियां जो समाज में नफरत पैदा कर, आक्रोश पैदा कर जनता का ध्यान डाइवर्ट कर वोट लेते हैं, और वो लोग, वो नीतियां, वो दल, वो नेता जो अपनी त्याग तपस्या से जनता का मन जीतते हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। चाहे सोनिया जी हों, चाहे राहुल जी हों, चाहे प्रियंका जी हों, इन्होंने अपने समर्पण से, अपने त्याग और तपस्या से राजस्थान समेत देश के जनता में अपनी जगह बनाई है, उनके मन में जगह बनाई है। और लोग झूठा प्रचार कर कितना भी लोगों को गुमराह करने की कोशिश करें, लेकिन मैं जानता हूं कि जनता अंत में सही निर्णय करेगी। और 2023 के अंदर पुणे, राजस्थान समेत बाकी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि हम जनता के बीच जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, खासकर नौजवान तबका। हमारी जो ऊर्जा आज हमारे अंदर है, उन नौजवानों की प्रतिभा को समझना पड़ेगा, उनको मंच देना पड़ेगा, उनको आगे जाने का रास्ता दिखाना पड़ेगा। इस काम को करने में सरकार ने, संगठन ने कमी नहीं छोड़ी। मैं आपसे प्रियंका जी आग्रह करना चाहता हूं, आज आप राजस्थान आई हैं, इस कार्यक्रम में आपने भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस प्रकार अभी कुछ हफ्ते पहले राहुल जी भी राजस्थान में आए थे बांसवाड़ा के अंदर, आप भी आने वाले कुछ हफ्तों महीनों में लगातार राजस्थान के अंदर आए। यहाँ की जनता आपको दिल से चाहती है, दिल से प्रेम करती है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हजारों लाखों लोग बैठे इस बात को बोलते हैं। आपके आने से जनता में, कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का संचार होता है। और हम सब जानते हैं, आपने जब प्रचार किया था हिमाचल प्रदेश के अंदर ताबड़तोड़, वहां सरकार कांग्रेस की बनी। आपने प्रचार कर्नाटक में किया, वहां सरकार आपने बनाई। और यहां पर भी आप और राहुल जी प्रचार करेंगे तो सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, ऐसा मैं मानता हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।